ओके गाइस, तो कैसे आप सब? सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। भाई आज की इस वीडियो के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि एमएक्स प्लेयर के ऊपर दोस्तों एई हमें जो है वो AEC3 की प्रॉब्लम ऑडियो की तरफ से देखने को मिलती है। नोट्स पेटर कोई भी चीज जब हम ओपन करते हैं, चाहे वो मूवी देखते हैं चाहे वो कुछ भी देखते हैं, वहां पर दोस्तों हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है, रियल तरीका 100% आपको वर्किंग तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलते हैं भाई मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ओके गाइस, तो यहाँ पर आ चुके हैं भाई मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। वो ये है कि दोस्तों यहाँ पर हमारा एमएक्स प्लेयर के ऊपर किसी भी ऑडियो मतलब प्ले नहीं होती है, सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना, अगर कोई आप मूवी देखते हो या कोई वीडियो देखते हो जिसका साउंड आपको शो नहीं किया जाता है। सो सबसे पहले हमें एमएक्स प्लेयर को ओपन कर लेना बेजान। ओपन करने के बाद दोस्तों अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आएगा। सो सबसे पहले दोस्तों मैं एमएक्स प्लेयर को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों मेरे पास सिंपली ये पेज आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले मेन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जहाँ पर भी देखने को मिले आपने वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे नीचे यहाँ पर जो है वो मी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने साइन इन किया होगा तो आपका अकाउंट शो किया जाएगा, अगर आपने साइन इन नहीं किया तो यहाँ पर आपको अकाउंट शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह से दोस्तों मुझे शो किया जा रहा है तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से शो किया जाएगा। अगर आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम चल रही है भाई जान इसके ऊपर, मैं एमएक्स प्लेयर के ऊपर। सो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले हमें करना ये है कि दोस्तों हमें अपने फ़ोन की एमएक्स प्लेयर की सेटिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। एमएक्स प्लेयर की सेटिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिस्ट का, प्लेयर का, डीकोडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें डीकोडर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें बिल्कुल नीचे आ जाना है। जब हम नीचे आएंगे यहाँ पर हमें कस्टम कोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर आना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको इसको यहाँ पर यूज़ डिफ़ॉल्ट कोड के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पर कस्टम कोड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आना है। लेकिन इसको आपने पहले बैक करना है और बैक आ जाना, ठीक है। आपने इसके बाद करना क्या होगा, आपने गूगल पर जाना है, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो भी प्रॉब्लम देखने को मिली है, यानी कि जब आप मूवी को देखते हो जहां पर आपको दिस ऑडियो फॉर्मेट EAC3 इज नॉट सपोर्टेड के ऑप्शन देखने को मिलता है, सो आपने यहां पर जाके गूगल पर सर्च कर देना, ठीक है। अब जब गूगल के ऊपर आप सर्च कर दोगे और कोडर आपने मतलब यहां पर कोडर लिख देना, ठीक है। जब आप कोड लिख दोगे ना, वो फाइल आपके सामने काफ़ी आपके पास वेबसाइट आएंगी, ठीक है। वहां से दोस्तों आपने वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अब किसी भी वेबसाइट से जब आप सर्च कर लोगे जो प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर आपके पास एक फाइल आएगी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने एमएक्स प्लेयर के ऊपर जाके वहीं पर नीचे आपको कस्टम कोडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां पर वो फाइल डाउनलोड हुई है, मान लो डाउनलोड के ऊपर ही आई होगी, तो आपने उसको डाउनलोड पे क्लिक करके यूज डिफॉल्ट कोडिक पे क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो ऑडियो की, वो 100% सॉल्व हो जाएगी।